आपकी जी में दम है तो आओ पालो और पैसे जीत के जाओ। वैसे तो गुजरात की हवा में व्यापार है साहब, लेकिन वो हवा अब बिगड़ने वाली है। क्योंकि भैया आज होने वाली है हमारे सूरत गुजरात के अंदर पाद प्रतियोगिता। सही सुना आपने, और कभी सुना है कि कोई पाद के 15,000 रुपए जीत के ले गया? नहीं ना, तो फिर आज सुनोगे, आज देखोगे वीडियो में, तो ये आपका होस्ट और दोस्त शिवम राव आपको पूरा कंपटीशन के बारे में बताएगा, क्या है, कैसा है, सब कुछ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तो भैया फिलहाल तो मैं हूँ वेसू के अंदर, जहाँ पे ये कंपटीशन होने वाली है, और अभी बजे है 10:30 को ये कंपटीशन होने वाली है। तो ये मेरा मतलब लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होगा ऐसी कोई कंपटीशन देखने का, शायद आपका भी पहला होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया है, सो आपको भी मजा आएगा और मुझे भी। और सुनो सुनो, जो लोग ये सोचते हैं ना कि मतलब पादने में कैसी कंपटीशन भाई, मतलब पादना थोड़ी कोई टैलेंट है, तो सुनो पार्ट के अंदर भी आर्ट आता है। और किसी महान पुरुष ने कहा है कि अगर तकदीर बदलनी है तो तशरीफ में दम होना चाहिए। तो भैया वो देखो वहाँ पे है कंपटीशन हो रहा, ला तेरेंस कैफे, कोई नहीं अपन अंदर से अपन दिखाएंगे। तो फिर तो भाई फिलहाल तो मैं हूँ अभी टेरेस के ऊपर, जहाँ पे कंपटीशन होने वाली है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वो सब जो ऑर्गेनाइज किया है, किस तरह से है, जो स्टेज है क्या है कैसे है। तो चलिए व्लॉग बना हुआ है तो बच्चे, तो अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर जहाँ पे ये कंपटीशन होने वाला है। सो इज लुक लाइक दैट ना, ये जगह देख लो, अरे बाय बाय बाय, सिंगिंग कंपटीशन या डांस कंपटीशन है, उतना कति जहर वाला हॉल बुक किया है, मतलब लोग पादने की मतलब वैल्यू देख रहे हो। तो मेरे भाई लोग अभी बज गए 11 और पता नहीं कंपटीशन कब स्टार्ट होगी, लेकिन ना जो कंपटीशन है ना उसमें कुछ क्राइटेरिया दिया गया, मतलब किस तरह से को विनर को अनाउंस किया जाएगा। तो उसमें होगा लॉन्गर फार्ट, लाउडेस्ट एंड द मेलोडियस, के मतलब कितना सुनने में अच्छा लगता है, उस तरह से किया जाएगा। सो ऑफकोर्स ये कॉम्पिटिशन बहुत ही एक्साइटेड और मज़ा आएगा इसमें, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। किनर अभी बहुत कंटाला आ रहा है सच में, थक गया अभी, पाद सुननी है पाद। तो भैया हम आ गए अभी कंपटीशन के अंदर, तो देखो हम मीडिया में आने वाले हैं। देखो टीवी चालू करो और हमें देखो, सब्सक्राइब शिवम राव। तो भैया देखो वो रहे जजेस हमारे, हम लोग मीडिया के लोग हैं, हम कहीं भी जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमें ये जज्बा होता है, तो ये तो हमारे लिए कुछ नहीं, पर मुझे लगता है बाकी का सारा मीडिया यहाँ पे बैठा है, इसलिए हम शायद ये नहीं कर रहे हैं। हमें आपसे इन दिन से आप लोगों को याद है आमंत्रित कर रहा हूँ, टेस्टिंग के लिए भी और रजिस्ट्रेशन के लिए भी, क्योंकि 5,000 रुपये ये कोई मामूली कीमत नहीं है। यहाँ पर नो आधार लिंक, यहाँ पर आपका किसी का आधार लिंक हम नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस, सो वी जस्ट वॉन्ट योर गैशियस स्टेट हियर ऑन स्टेज, no liquid state, no solid state, please, and we won't be responsible for anything else। भैया कसम से बोले तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या हो रहा है, किस तरह से होने वाला है, कब होने वाला है, लेकिन हमने ना मीडिया के लिए मतलब ये पास मतलब ये टैग मरा लिया है कि जिससे हमें परमिशन मिल गई शूट करने की, तो शायद अभी कॉम्पिटिशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए और आपको पाद की आवाज़ सुनने को मिले, और तो स्टेट यून। So guys, they are judges, like, we are... Hi. Sir, तमारो नाम? आपका नाम? प्रणव। मैम आपका? And sir, आप RJ देव, देवांग्रवर। So guys, this is the machine के जिसके अंदर शब्द मतलब रिकॉर्ड होगा कि कितना डेंसिटी है उसकी। So आपको क्या करना है, यहाँ पर खड़े रहना है, टच नहीं करना है एक भी चीज को, हेलो, और आपको यहाँ पे पार्ट करना है, ये मेजरिंग डिवाइस है हमारा जो मेजर करेगा, यहाँ रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। क्या है
ओके सर ओके। वो जो अंकल का ना वो माहौल जो होता है ना वो उनके लिए क्रिएट नहीं हो पाया। पीछे गए गए वापस आए फिर भी इतना थोड़ा अटक गया। मतलब शायद उनके साथ ऐसा हुआ मतलब जो ये प्रेशर होता है ना वो ये प्रेशर अटका देता है कंपटीशन के वक्त। तो शायद दर्शक मित्र को मैं यही बताना चाहूँगा कि फार्ट एकदम नेचुरल चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं। सूरत के बाद किसी और सिटी में या किसी स्टेट में आपका है सोच के मतलब किसी और सिटी के अंदर ये कंपटीशन रखे? बेसिकली हम लोग तो चाहते हैं कि पूरा देश पा दे पूरे देश में ये कंपटीशन हो और हर लोग एक दूसरे के सामने बैठ के पा दे तो करेंगे पूरे देश में। रियलिटी शो इसे एक्सेप्ट अभी करेगा मतलब जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट है? हाँ, ऐसे इंडिया के जो रियलिटी शो है आगे हम सोच रहे हैं कि शायद जैसे स्टार कंपटीशन होती है, सुपर सिंगर होता है, डांसर कंपटीशन होती है, वैसे हम टीवी पे भी ऐसे फार्ट कंपटीशन लेके आएंगे और देखेंगे कि देश में कितनी पान है। ओके एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि मतलब आपका कोई रिकॉर्ड है ऐसा मतलब कितने टाइम तक लंबा ऐसा आपका? तो रिकॉर्ड नहीं है लेकिन आज से मैं भी गिनती शुरू करूंगा, मेजर करेंगे मतलब कैसे मैं कर सकता हूँ। सर आपका कुछ ऐसा रिकॉर्ड मतलब एक मिनट तक 30 सेकंड तक ऐसा? ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन अब करेंगे, अभी करेंगे। वैसे कॉम्पिटिशन से हमारे साथ एक है जो इसमें क्या है पार्टिसिपेट, तो सर आपका नाम? मेरा नाम अल्केश पंड्या है, मैं जो हंड्रेड डॉट की ऐतिहासिक रानी की तस्वीर छपी हुई है उससे बिलोंग करता हूँ पाटन से। आज ये जो पहली बार हो रही है अपनी पार्ट की स्पर्धा तो उसमें मुझे लगा कि नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसी हिसाब से मैं पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ से 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ। मतलब कुछ यूनिक है जो मतलब? जी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और ये जो है ये जिसमें कहते हैं ना कि जिसमें दम है पादने का वही आ सकता है मैदान में, ये अगर नहीं पादोगे तो अपना जो हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट आ सकती है। ये जो सब्जेक्ट है उस पर ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, ये ऐसे जैसे ये सेक्स की बात नहीं करते ऐसे पाद की बात भी नहीं कर सकते सब लोग, उनको लोग शर्म आती है, खासकर से महिलाओं लेडीज वर्ग होती है उसको ज्यादा शर्म आती है। तो ये जो है उसमें खुले छोड़ दो क्या इस शर्माने का, जिसमें दम होगा वही पादेगा। So, अभी ये तीन जो आए हैं पार्टिसिपेंट्स इनको हम अप्रिसिएशन देना चाहते हैं, एक दूर से दो दूर से आए, एक सूरत के हैं, तो हम फुल प्राइज मनी देंगे 2000 रुपीज कैश ईच एंड इनको हम जो भी गिफ्ट्स है प्राइजेस वर्थ 4-5000 वो हम इनको देंगे बिकॉज दे केम एंड दे बिलीव इन अस एंड दे केम एंड पार्टिसिपेटेड। थैंक यू वेरी मच। घर पर ही किया था तो अभी मेरे साथ एक और भैया है जिन्होंने इसमें किया था पार्टिसिपेट। तो सर आपका नाम? मेरा नाम विष्णु है। और आप कहाँ से?
पर्वत पाटिया सूरत। सो सर अभी जैसे आपने देखा मतलब कॉम्पिटिशन हुआ नहीं क्योंकि प्रेशर था और वो सब, तो लाइक आर्टिंग इज नॉट अ थिंग कि आप एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करो और आपको वहाँ पे हो जाएगा, इट इज नेचुरल थिंग। मतलब ऐसा कोई प्री डिटरमाइंड ऐसे गेम तो है नहीं कि आप खेलेंगे और ट्राई करेंगे और हो जाएगा, नेचुरल चीज़ें कभी भी हो जाता है। तो भैया अभी हमारे साथ है मिस्टर यतीन संगोई जी, इन्होंने ये पूरी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया और मेरे कुछ सवाल हैं इनसे जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज तो हमारा मिला नहीं पाँच सा, आगे फ्यूचर में आप क्या सोचते हैं मतलब कहाँ पर मिलेगा ये इंडिया के किसी भी सिटीज के अंदर? मतलब आप अभी ये वो कहाँ छुपा है मुझे उसको ढूंढ के निकालना है पातशाह को, ठीक है। और हम ट्राई करेंगे कि दूसरी सिटी में हम करने वाले हैं तो वहाँ पर हम इससे भी बड़ी इवेंट करें और वहाँ पे जो भी मिले हमें तो उसे जिताएं। सूरत में तो नहीं मिला, बट लेट सी, हम हिम्मत नहीं हारे हैं, मिल जाएगा। ढूंढने से भगवान मिलते हैं तो पातशाह की नहीं मिलते। हमने जब अपनी फैमिली में बोला कि मैं ये ऐसी कॉम्पिटिशन चाहता हूँ तो मतलब उनका क्या रिएक्शन था इस पे कि यार मतलब माई फैमिली इज सपोर्टिव, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, दोनों ने सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया एंड आई एम थैंकफुल टू देम। और सर आपका कुछ ऐसा है रिकॉर्ड कि मतलब आपने एक मिनट तक या ऐसा कुछ आपका पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड कुछ? पर्सनल बेस्ट ट्यून में है मेरा म्यूजिकल पार्ट, तो वो आइडिया मुझे वहाँ से आया कि अलग अलग टाइप की साउंड में, तो वो आइडिया मेरा वहाँ से आया। क्वेश्चन कि अभी ये पार्ट कॉम्पिटिशन हो गई, फर्स्ट टाइम इन इंडिया हो गई, तो अभी आप इसका फ्यूचर क्या सोच रहे हैं? मतलब ये चीज़ अभी टीवी के अंदर आएगी, मतलब जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट है और ऐसे बहुत सारे शोज है, तो उसके अंदर क्या आप इस चीज़ को एज अ टैलेंट देखते हो कि वो लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे? मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे आज पातशाह नहीं मिलने का एक कारण कि लोग शर्माते हैं अभी भी पाने से, स्टेज पर या अकेले में भी, यू नो, कहीं कोने में जाके पा देते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। करेंगे तो हम ही करेंगे, शायद हम करेंगे दूसरी सिटीज़ में, और हम लोगों को ये बोलेंगे कि अपनी शर्म छोड़ो, बिंदास पा दो, पब्लिक में भी, स्टेज पे भी, और स्टेज पे आके पा दो, आपकी जी में दम है तो आओ पा दो और पैसे जीत के रहे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ये चीज़ पहले अमेरिका गॉट टैलेंट में एक बंदा गया था वहाँ पे, हाँ, और लाइक अभी और हाँ, और वर्ल्ड में एक है मिस्टर मीथेन करके जो ओपनली करते हैं, उनको कोई शर्म नहीं है, तो यही शर्म बाकी सब क्यों नहीं छोड़ते हैं, ये इसमें क्यों शर्माते हैं? तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि हैशटैग फ्री ऑफ आर्ट, बिंदास खुले मन से पादे, बिंदास पादे। तो और ये हमारे साथ ये जो है वो है मिस्टर मूल संघवी, ये है हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजर जिन वो आपके दोस्त है ना, बेस्ट फ्रेंड है। तो मतलब यतीन सर ने इनसे बात की और दोनों ने मिल के एक मतलब कॉम्पिटिशन की, तो सर अभी आप क्या सोचते हो फ्यूचर इसके बारे में? ये कैसे कंपटीशन था, टफ कंपटीशन था। सिंगिंग करना इजी है, म्यूजिक करना इजी है, बट इसको ऑन स्पॉट लाना बहुत टफ है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर ये कंपटीशन अगर इस लेवल पे चाहे गया तो हम लोग और एक और भी सिटीज में अगर हम लोग हाँ, बस रहे वही मतलब फ्यूचर तो, में कोई और सिटीज आपने हम लोग को कलकत्ता से ऑफर है, दिल्ली से है, मुंबई से है, तो बेसिक अगर वहाँ पे पॉसिबल हो तो हम वहाँ पे जरूर करेंगे। सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कुछ मतलब कुछ यूनिक किया इनिशिएट, तो सर उसके लिए बहुत सारा थैंक यू सो मच। और सो भैया एज यू कैन सी भैया फाट तो हुई नहीं, किसी के बाद में दम था ही नहीं, तशरीफ में कोई किसी के पावर थी नहीं, तो लेकिन कोई नहीं, जिसने भी ट्राई किया उसने अच्छा किया। सो अच्छा लगा देख के, आपको भी शायद अच्छा लगा होगा। तो भैया अभी वीडियो तो आपने देखा, कोई पातशाह बन नहीं पाया, तो अभी क्या सोचते हो आप लोग, कोई बनेगा? तो कोई बने या ना बने, उससे पहले हमारे साथ है सूरत के दो ब्लॉगर। मैं सोचता था कि ना सूरत में कोई ब्लॉगर नहीं है, है भैया है, देखो ये है डीपी व्लॉग्स और ये हमारे चैनल का नाम आर्यन ओके। सो भाई इनको भी देखो, ये बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, और हमको भी देखो भी देखो। तो जिंदगी खेल है, पैसा हाथ का महल है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बगल में आइकन सब्सक्राइब करो, मजा आओ, बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, बस, और सब्सक्राइब तो आप करते ही हो।